कोतवाली थाना क्षेत्र के सिप्रोलॉन में मंगलवार की रात्रि शादी में दो महिलाओं ने गहनों से भरा बैग चोरी कर लिया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के सिप्रोलॉन में मंगलवार को शादी चल रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि दो महिलाएं एक बैग को लेकर भाग गई है। प्राप्त तहरीर में पाया गया कि प्रार्थी और उसके रिश्तेदार शादी में गए थे। जिस महिला का बैग था, वो महिला अपना बैग रखकर शादी समारोह में व्यस्त हुई कि तभी मौका पाकर वहां बैठी महिलाओं द्वारा बैग को चुरा लिया गया। बैग को चुरा करके ले जाते समय पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी के आधार पर आगे घटना की जांच की जा रही है, जिसके आधार पर जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। उस बैग में काफी सोने के जेवर थे, जिसका जल्द ही खुलासा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, कवर किया इसको बस अब लेके निकली गई है। उठा दिए, उठा दिए 23-33 हो गया। अच्छा, इन लोग को अभी भी जानकारी नहीं दी गई? ना ना ना, हो गया 23-33 हो गया। अच्छा, इन लोग को अभी भी जानकारी नहीं दी गई? ना ना ना, हो गया 23-33 हो गया। अच्छा, इन लोग को अभी भी जानकारी नहीं दी गई? ना ना ना, हो गया 23-33 हो गया। अच्छा, इन लोग को अभी भी जानकारी नहीं दी गई? ना ना ना, अभी भी ये अस्थिर से है। अभी भी जानकारी नहीं है, देख रहे हैं इतने लोगों को भी। इसकी टाइमिंग नोट करनी है। ये जो वैन जा रही सर, देखिए यही वैन, इसका नंबर देखना है यार। नंबर जनपद गोरखपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक सिप्रोलॉन नाम की जगह है, जहाँ पे एक शादी चल रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि उस शादी में दो महिलाएं हैं, वो एक बैग को लेके गायब हो गई हैं। बाद में प्राप्त तहरीर के अनुसार ये पता चला है कि 11 बजे के पे प्रार्थी हैं उसके रिश्तेदार शादी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जिस महिला का बैग था, वो महिला अपना बैग छोड़ के वहाँ से गई हैं और सीसीटीवी कैमरा में ये घटना कैद हुई है। और सीसीटीवी के आधार पर ही पुलिस तमाम सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पता राशि सुराग्रसी करा के इस घटना का शीघ्र ही अनावरण करेगी। इसमें उन्होंने जो बताया है, गले के 3 सेट हार बूंदा, 3 सेट सोने की चूड़ी है, 1-2 सोने की अंगूठी है। लेकिन पुलिस को चोरी हुई है इस बात से मतलब है, और चोरी का जो है शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। थैंक यू।